नमस्कार, मैं अप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। देश में कोविड 19 के मामले 10,77,000 के पार। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रभावितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार हर दिन के साथ एक नया आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है। देश में आज कोविड 19 के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं, जिसके तहत भारत में एक दिन में कोविड 19 के 38,902 नए मामलों की पुष्टि की गई है और एक दिन में 543 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 38,902 मामले सामने आने के बाद भारत में संक्रमितों की संख्या 10,77,864 पर पहुंच गई है, जिनमें से फिलहाल 3,77,007 मामले एक्टिव है, जबकि एक दिन में 23,552 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6,77,630 हो गई है। वहीं भारत में जान गंवाने वालों की संख्या 26,828 हो गई है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी भारतीय निभा सकते हैं अहम भूमिका। अमेरिका में पार्टी के एक शीर्ष नेता का यह मानना है कि 3 नवंबर को संभावित होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में कई राज्य में भारतीय अमेरिकी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, जिसके तहत रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मिशिगन समेत कई अहम राज्यों में प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष थॉमस पेरेज ने कहा है कि मिशिगन में 1,25,000 भारतीय अमेरिकी मतदाता हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद के पिछले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार का जिक्र करते हुए कहा कि हम 2016 में मिशिगन में 10,700 मतों से हार गए थे। भारतीय अमेरिकी मत AAPI के मत में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को बताया कायर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने लद्दाख की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि भारत सरकार की कायरता पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है और पूरे देश पर भारी पड़ रही है। इतना ही नहीं, लद्दाख में सिंह के बयान को संबोधित करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें चीन ने हमारी जमीन को ले लिया है और भारत सरकार पूरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रही है, इससे चीन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो भी जारी किया है। यह उन 2 दिवसीय यात्रा का वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे कि दुनिया की कोई भी ताकत हमसे हमारा जमीन नहीं ले सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बातचीत के जरिए मामले को पूरी तरह सुलझा लिया गया है। पति पत्नी दोनों उठा सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ। पति पत्नी दोनों उठा सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना का लाभ। प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना का लाभ पति पत्नी दोनों उठा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिसमें घरेलू काम वाले रिक्शा चालक समेत कई कमजोर तबके के लोगों को जोड़ा जाता है, उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी जनधन योजना के माध्यम से मदद शुरू की गई थी। इन लोगों के पास बचत और दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह कोई चीज नहीं होती है, जिसके तहत इस योजना में पंजीकरण कराने के बाद आपको अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही आपको उस उम्र में काम करने की आवश्यकता होती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 वर्ष की आयु के बाद क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 36,000 सालाना पेंशन देती है। वही अब खास बात यह है कि इस योजना में पति और पत्नी दोनों भागीदारी हो सकते हैं, उस स्थिति में आप सालाना 72,000 की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। टीम इंडिया की जर्सी पर अब दिखेगा नया लोगो। कोविड 19 के इस माहौल में धीरे धीरे करके क्रिकेट को वापस से सुचारू रूप से शुरू करवाने की पहल तेज की जा रही है। आईपीएल 13 को लेकर तो बीसीसीआई जल्द ही कोई बड़ा ऐलान करने वाली है, साथ ही टीम इंडिया का कैंप भी लगने वाला है। हालांकि इस कैंप का आयोजन भारत में करवाया जाएगा या फिर दुबई में होगा, इस पर अभी चर्चा बाकी है। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया की जर्सी में कुछ अहम बदलाव नजर आने वाले हैं। जर्सी के रंग और डिजाइन में कोई खास बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि टीम की जर्सी पर अभी जो नाइकी का लोगो दिखाई देता है वो अब शायद नहीं दिखाई देगा। मिली जानकारी के अनुसार बीसीसीआई के राष्ट्रीय टीम की पोशाक के अनुबंध के लिए नई निविदाएं जल्द ही बुलाई जाएंगी, क्योंकि नाइकी में सितंबर को खत्म हो रही है करार का नवीनीकरण नहीं करवाया है। बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल के शुक्रवार को हुई ऑनलाइन बैठक में कई मसलों पर बातचीत की गई थी, जिनमें पोशाक प्रायोजन करार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर 6 करोड़ लोग करते हैं फॉलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा लगातार कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी लगातार देखी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या 6 करोड़ पर पहुंच गई है। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर के अनुसार उनके फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ पर पहुंच गई है। सितंबर 2019 में ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 5 करोड़ थी। एक साल के अंदर यह आंकड़ा 6 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी के मंत्रिमंडल में अहम स्थान रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर पर 2,16,00,000 फॉलोअर्स है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर पर 1,52,00,000 फॉलोअर्स है। हालांकि ट्विटर पर फॉलोअर्स के लिहाज से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के 12.9 करोड़ फॉलोअर्स है। भारत द्वारा 200 एप्स को बनाने की दी गई
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में भारत की अब इकोनॉमी बढ़ रही है और इसका उद्देश्य सिर्फ चीनी को पीछे छोड़ना ही नहीं है बल्कि दुनिया में मोबाइल फोन विनिर्माण के मामले में नंबर वन आना है। डाटा की गोपनीयता मौलिक अधिकार है और इसके संतुलित करने के लिए अधिनियम की जरूरत थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उक्त बातें ठाकुर प्रसाद सेंचुरी मेमोरियल के एक वेबिनार कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऐप्स बनाने के लिए कहा है और 20 ऐप्स सामने आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2014 में भारत के पास सिर्फ 2 यूनिट थी, अब 260 है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 5वें नंबर से दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया है। मेरी इच्छा है इसे नंबर वन बनाने की। असम में 4.2 तीव्रता के साथ महसूस किए गए झटके। कोविड-19 के इस माहौल में भारत के कई राज्यों में झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन दक्षिणी असम के हैलाकंदी जिले में कंपन महसूस की गई है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 दर्ज की गई है। वहीं इस झटके के बाद 18 दिनों में पूर्वोत्तर राज्य में 14 झटके कुल मिलाकर महसूस किए गए हैं, जिसकी जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से साझा की गई है। हालांकि इस कंपन में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। 63 किलोमीटर की गहराई पर कंपन के सेंटर को दर्ज किया गया है। अधिकारियों कहा है कि हालिया कंपन असम के जिले में 4:25 पर महसूस की गई है। वो आज सुबह 5:28 पर अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी कंपन महसूस की गई थी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 दर्ज की गई है। सियासी सरगर्मी के बीच बिहार असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सचिन पायलट ने की अपील। खुद सियासी सरगर्मी में फंसे सचिन पायलट ने हाल ही में ट्वीट करके अब बिहार और असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं असम और बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करता हूं। सिर्फ असम में ही बाढ़ से 68 लोग की जान जा चुकी है, वहीं 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें बिहार और असम दोनों जगह फिलहाल एनडीए गठबंधन की सरकार में है। सचिन पायलट के मदद की अपील करने पर कई अटकलों को हवा दिया जा रहा है। सचिन पायलट पर राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की बात भी कही गई है। इस संबंध में उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पुणे के बाद ओडिशा के बिजनेसमैन ने बनाया गोल्ड मास्क। देश में कोविड-19 के मामले में हर दिन इजाफा हो रहा है, ऐसे में सरकार मास्क लगाने पर लगातार जोर दे रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी सलाह दे रही है। वहीं अब मास्क की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। अलग अलग कपड़े और अलग तरह के पैटर्न में मास्क बाजार में देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसी बीच सोने और हीरे के मास्क भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में पुणे के एक शख्स ने सोने से मास्क बनवाया था, जिसके बाद चांदी का मास्क बाजार में आया है और फिर हीरे से बना मास्क देखने को मिला। पुणे के मास्क से प्रेरित होकर अब ओडिशा के एक बिजनेसमैन ने 3 लाख से ज्यादा की कीमत वाला मास्क बनवाया है। 55 वर्षीय बिजनेसमैन का नाम आलोक मोहंती है। उन्होंने बताया है कि मुंबई के ज्वेलर से संपर्क करके उन्होंने यह गोल्ड मास्क बनवा लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने G20 की योजना को कोविड-19 से निपटने के लिए बताया कारगर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते दिन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि G20 की कार्रवाई जाने वाली योजना कोरोना से निपटने के सामूहिक प्रतिबद्धता को बखूबी दर्शा रही है। परेशानी के इस माहौल में यह तार्किक और प्रभावी बनी रहनी चाहिए। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की तीसरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई थी, जहां पर बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उक्त बातें कही है। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान उन्होंने G20 से प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय समावेशन की भारत की सफलता को भी साझा किया है, जहां पर उन्होंने मुख्य रूप से बताया है कि 42 करोड़ बैंक खाते में $10 अरब के बराबर की धनराशि बिना किसी भौतिक संपर्क में आए स्थानांतरित कर दी गई है। UNSEE सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधन। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तौर और सामाजिक परिषद सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन संबोधित किया है। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली स्पीच थी। इसमें खास बात यह है कि संबोधन को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह के पहले करवाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कोविड-19 के चुनौती के अलावा आने वाले सालों में भारत की विकास नीतियों के बारे में भी अपने विचार रखे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम की भी चर्चा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि हमारा हाउसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक भारतीय के पास 2022 तक उसके सिर पर अपनी एक सुरक्षित छत हो। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के साथ ही राजधानी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी दिल्ली के अलावा 19, 20 और 21 जुलाई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के लिए भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बीते दिन दिल्ली में हुई बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है, जहां एक तरफ गर्मी से थोड़ी राहत मिली है लेकिन दूसरी तरफ सिविक एजेंसियों की पोल भी खुल गई है। कई जगह पर बारिश के कारण जल जमाव देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इस जखीरा अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक बस उसमें
पूरी डूबी हुई नजर आई है। सुशांत सिंह राजपूत की याद में एकता कपूर ने पवित्र रिश्ता के सीजन 2 को लाने का किया वादा। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद पवित्र रिश्ता के सीजन 2 की शुरुआत होने वाली है। खबरों के अनुसार एकता कपूर ने अपनी टीम और लेखकों के लिए पवित्र रिश्ता के सीक्वल के लिए बात की है। लेखक यह रिश्ता की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे यह पहला धारावाहिक नहीं है जिसका सीक्वल बनाया जा रहा है। इससे पहले भी एकता कपूर ने कसौटी जिंदगी का सीक्वल बनाया था। अब यह देखना होगा कि धारावाहिक कितनी जल्दी दर्शकों के लिए पेश की जाती है और कब इस धारावाहिक की आधिकारिक घोषणा होती है। अयोध्या में 5 अगस्त को हो सकता है भूमि पूजन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अयोध्या में निमंत्रित किया जा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को भूमि पूजन के लिए 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख तय करने के लिए दी गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने 5 अगस्त पर मौजूद होने की संभावना जताई है, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री खुद अयोध्या शिरकत करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत सरकार चीनी सैनिकों को रोकने में कितनी सफल साबित हुई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।